वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। डिस्कस करते थे डिग्रेडेशन ऑफ अल्कलॉइड। तो अल्कलॉइड हम डिफाइन कर चुके हैं, व्हाट आर अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड्स आर बेसिक नाइट्रोजीनियस प्लांट प्रोडक्ट, मोस्टली ऑप्टिकली एक्टिव एंड पजेस नाइट्रोजन हेट्रोसाइकल एज देयर स्ट्रक्चर यूनिट एंड हैविंग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, मतलब ये बेसिक कंपाउंड है जिसका केमिकल नेचर बेसिक होता है, जो प्लांट में से मिलते हैं, जो मोस्टली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मतलब कायरल कंपाउंड होते हैं, जिसमें हेट्रोसाइकल होता है और उस हेट्रोसाइकल में नाइट्रोजन एटम होता है और इसका कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। ठीक है, अब उसके डिग्रेडेशन की बात करें तो डिग्रेडेशन में हम क्या करेंगे, जो अल्कलॉइड मॉलिक्यूल है उसमें से हम कुछ फ्रैगमेंट्स बनाएंगे, कुछ अलग स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्जन कर देंगे उनका। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अल्कलॉइड मॉलिक्यूल जब डिग्रेड होगा उसमें से जो फ्रैगमेंट्स मिलेंगे वो फ्रैगमेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे इसके स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन के लिए। मतलब कि अल्कलॉइड का जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली क्या है वो पता करने के लिए डिग्रेडेशन मेथड इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आजकल ये मेथड ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत ही एडवांस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इजीली पता कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट मेथड जो है वो है होफमान एग्जोस्टिव मिथिलेशन। ठीक है, तो आपको पता है एग्जोस्ट हम बोलते हैं एग्जोस्ट फैन, या फिर जो भी धुआं हमारे कार या बाइक से निकलते हैं उसको भी हम एग्जोस्ट बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल में से हम कुछ निकालेंगे, ठीक है, एग्जोस्टिव मिथिलेशन, मतलब पहले मिथिलेशन कर देंगे फिर मॉलिक्यूल में से कुछ निकलेगा। होफमान मतलब ये साइंटिस्ट का नाम है। तो बेसिकली दिस मेथड वाज अप्लाइड टू नेचुरली अकरिंग कंपाउंड बाय विल स्टेटर इन 1870। मतलब ये विल स्टेटर ने सबसे पहले 1870 में अप्लाई किया था, फिर इस मेथड को होफमान ने मॉडिफाई किया। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नाउअडेज नॉन एज होफमान एग्जोस्टिव मिथिलेशन। ठीक है, एकदम ही सिंपल मेथड है। सबसे पहले क्या करना होता है, तो हमारे पास जो भी मान लो ये कोई स्टार्टिंग मटेरियल है, इसमें नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी हो सकता है। तो मैं पहले प्राइमरी अमाइन लेकर एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। इसमें एक्सेस मिथाइल आयोडाइड या फिर एक्सेस मिथाइल हैलाइड ऐड करना होता है। मैं यहां पर एक्सेस मिथाइल आयोडाइड ऐड कर देता हूं, तो ये एक्सेस मिथाइल आयोडाइड मैंने ऐड कर दिया। फिर क्या होगा, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन देगा इस मिथाइल को, आयोडीन यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, फिर यहां से एच, यहां से आई, तो एच आई निकल जाएगा और ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा आर, फिर ये एनएच और ये CH3। तो अगर मेरे पास प्राइमरी अमाइन है तो एक मोल मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन होने के बाद वो सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा, फर्दर मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन होगा। ये स्टेप मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ, एक्सेस मिथाइल आयोडाइड ऐड किया है तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंडरी अमाइन है, फिर से ये नाइट्रोजन अटैक कर देगा, ये आयोडीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, ये NCH3 था, ये एक और CH3 आ गया। ठीक है, यहां से H, यहां से I, तो फिर से HI बाई प्रोडक्ट बन गया। तो यहां पहले प्राइमरी अमाइन था, अभी ये सेकेंडरी बना, अभी ये टर्सरी अमाइन बना, फिर फर्दर मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन होगा, तो ये नाइट्रोजन के पास अभी भी लोन पेयर है, वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है मिथाइल को। तो ये दो मिथाइल थे हमारे पास, एक और मिथाइल आ गया, लेकिन इस बार ये जो बॉन्ड बना इसमें नाइट्रोजन ने अपने लोन पे डोनेट किए हैं, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा और एच है ही नहीं तो एच आई नहीं निकल सकता। इसके ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ गया, मैं चार्ज बैलेंस करने के लिए आई माइनस लिख देता हूँ। तो एक्चुअल में ये क्या बना, जैसे ही हम किसी भी अमाइन, वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्सरी हो, उसमें एक्सेस मिथाइल आयोडाइड ऐड कर देंगे तो हमें जो मिलने वाला है वो ये मिलेगा। ये क्या मिला, क्वार्टरनरी
एमोनियम आयोडाइड सॉल्ट मिला, ठीक है। तो ये मैंने अलग अलग स्टेप दिखाया है, लेकिन हमारे पास जो भी है इसको मैं डायरेक्टली एक ही स्टेप में दिखा देता हूँ। ये यार NH2 है, इसमें अगर मैं एक्सेस मिथाइल आयोडाइड ऐड कर दूंगा तो फर्स्ट स्टेप में डायरेक्टली ये प्रोडक्ट बन जाएगा। वो अमाइन कोई भी हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्सरी, हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाली है वो है क्वार्टरनरी एमोनियम आयोडाइड सॉल्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप में क्वार्टरनरी एमोनियम आयोडाइड सॉल्ट बन गए। अभी इसमें मैं ऐड कर दूंगा मोस्ट Ag2O। ये मोस्ट Ag2O का मतलब क्या है? ये H2O है, इसमें Ag2O ऐड कर दिया, मोस्ट का मतलब मॉइस्चर, ठीक है। तो ये वाटर प्लस Ag2O है। अभी इसमें से क्या बन सकता है? तो ये वाटर ऐसा H प्लस, ये OS माइनस, ये दो Ag है मेरे पास, एक ऑक्सीजन है। तो ये हाइड्रोजन और ये Ag-O क्या बना? AgOH। फिर ये OH और ये Ag, तो ये भी AgOH बना। मतलब अगर सिल्वर ऑक्साइड के साथ वाटर है, मॉइस्चर है, तो वो सिल्वर हाइड्रोक्साइड है। मैं डायरेक्टली सिल्वर हाइड्रोक्साइड भी लिख सकता हूँ। तो क्या होगा? सिंपल, जहाँ पर ये आयोडाइड है उसकी जगह पर ये हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, एकदम सिंपल। और बाकी जो भी है एज सच कोई रिएक्शन होने वाला नहीं है। और जहाँ पर आई माइनस है ओ माइनस आ गया। तो ये क्वार्टरनरी एमोनियम आयोडाइड था, अभी ये बन गया क्वार्टरनरी एमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेसिक है। ये है क्वार्टरनरी एमोनियम हाइड्रोक्साइड। अभी फर्स्ट स्टेप हमारा था क्या था? एक्सेस मिथाइल आयोडाइड। सेकेंड स्टेप है हमारा मोस्ट सिल्वर ऑक्साइड या फिर सिल्वर हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं हम। थर्ड स्टेप जो है वो है पाइरोलिसिस, मतलब इसको हमें हीट करना है अप टू 200 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको मैं हीट करूंगा तो क्या होगा? ये बेसिक सॉल्ट है, ये सॉल्ट बेसिक है, यहाँ पर OH माइनस है, ये बेस है। जैसे ही मैं हीट करूँगा ये बेस इसमें से H प्लस निकाल लेगा। तो कहाँ से H प्लस निकालेगा? ये नाइट्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये खींच रहा होता है, मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं बन सकता। तो इसके बाद वाला कार्बन ये अल्फा, ये बीटा, यहां से बेस एक प्रोटॉन निकालेगा। इसने इस प्रोटॉन को निकाल लिया तो क्या बना? OH माइनस और ये H प्लस, तो H2O निकलेगा। फिर क्या बच गया? तो यहां से H निकल रहा है मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पास में दे सकता है। जैसे ही ये पास में इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नाइट्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो एक तो यहां से H2O बना, दूसरा क्या बना? ये नाइट्रोजन के साथ तीन मिथाइल ग्रुप, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन ले लिए न्यूट्रल, तो मेरा एक प्रोडक्ट ये बनेगा यहां से, ये NCH3 thrice ट्राई मिथाइल अमाइन। दूसरी जो प्रोडक्ट बनेगी वो ये बनेगी, ये R, फिर यहां पर जहां सिंगल बॉन्ड था डबल बॉन्ड बन गया, तो इसको ओलिफिन बोल सकते हैं या तो फिर आल्कीन बोल सकते हैं, ठीक है। तो एकदम सिंपल मेथड है। हमारे पास कोई भी अमाइन हो, वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्सरी, जैसे ही हम एक्सेस मिथाइल आयोडाइड ऐड करेंगे उसका क्वार्टरनरी एमोनियम आयोडाइड सॉल्ट बनेगा। फिर जैसे ही मोस्ट सिल्वर ऑक्साइड डालेंगे क्वार्टरनरी एमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट बनेगा, जो कि बेसिक होता है। अब जैसे ही पाइरोलिसिस करेंगे, हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे तो ये OH बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और OH माइनस H प्लस H2O निकल जाएगा। फिर ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, वो इलेक्ट्रॉन पास में देगा, तो ये अल्फा और बीटा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। ये कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाती है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, पॉजिटिव चार्ज था इलेक्ट्रॉन ले लिया न्यूट्रल। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया? हमारे मॉलिक्यूल में से नाइट्रोजन को एलिमिनेट कर दिया। सो दिस इज बेस्ट मेथड फॉर एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम अल्कलॉइड मॉलिक्यूल। तो ये हमने सिंपल एग्जांपल लिया। अभी हम एग्जांपल लेते हैं
आल क्लोराइड का? तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो ये मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये हीट्रोसाइकल नाइट्रोजन जब भी प्रेजेंट है हम अप्लाई करेंगे, तो नाइट्रोजन प्रेजेंट हो और हीट्रोसाइक्लिक मोइटी हो, ऐसा एग्जांपल हमारे पास है, जैसे कि पिरिडिन। तो पिरिडिन में क्या होता है, 6 मेंबर साइकिल होता है, उसमें एक नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन तो पिपिरिडिन में भी होता है, देखेंगे अभी। तो दोनों में फर्क क्या है, ठीक है, और कब ये मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिमिटेशन की अगर बात करें तो इस मेथड का लिमिटेशन या फिर हॉफमैन मेथड फेल्स विथ, ये कहां फेल हो रहा है मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट, बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो ये मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब अल्टीमेटली नाइट्रोजन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। सेकेंड, जैसे कि पिरिडिन की बात कर रहे थे हम, तो ये पिरिडिन है, ठीक है, यहां पर डबल बोन है, तो ये अनसेचुरेटेड है या सेचुरेटेड? अनसेचुरेटेड, ठीक है। तो ये अनसेचुरेटेड हीट्रोसाइकल पे भी लागू नहीं होता है, अनसेचुरेटेड हीट्रोसाइकल्स। अगर हीट्रोसाइकल्स अनसेचुरेटेड है तभी ये मेथड लागू नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम, अगर हमारे पास अनसेचुरेटेड हीट्रोसाइकल है तो उसका कन्वर्जन हम कर देंगे पहले सेचुरेटेड हीट्रोसाइकल में। तो जैसे कि ये पिरिडिन है, ठीक है, इसके ऊपर हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथिलेशन लागू नहीं होता। तो मैं क्या कर दूंगा, पहले इसका रिडक्शन करा दूंगा। तो रिडक्शन करा देता हूं मैं, कैटालिटिक रिडक्शन करा रहा हूं मैं, ठीक है, ये कैटालिटिक रिडक्शन करा रहा हूं। कैसे करा दूंगा, मैं यहां निकल के साथ हाइड्रोजन ऐड कर दूं, तो क्या होगा, ये 3 डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस हो जाएंगे और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये बन गया टोटल 2, 4 और 6 हाइड्रोजन का एडिशन हुआ। ये मेरा क्या था, पिरिडिन। अभी ये क्या बना, पिपेरिडिन, ठीक है। अभी ये सैचुरेटेड हीट्रोसाइकल है, इसके ऊपर ये मेथड लागू हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, हाँ बिल्कुल एकदम सिंपल है, एक्सेस मिथाइल आयोडाइड ऐड करेंगे। तो ये अमाइन कौन सा है, सेकेंडरी, एक मोल के साथ रिएक्शन होगा क्या बनेगा, टर्शरी, 2 मोल मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन होगा क्या बनेगा, क्वार्टरनरी एमोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो यहां पर एक्सेस लिखो या फिर 2 मोल लिख दो, प्रोडक्ट सेम ही मिलने वाली है। तो मैं डायरेक्टली ये दिखा देता हूं, ये फर्स्ट स्टेप में ये हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट मिथाइल से होगा, सेकेंड स्टेप में नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा मिथाइल को, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ आई माइनस। तो ये क्या बन गया, क्वार्टरनरी एमोनियम आयोडाइड सॉल्ट। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड क्या बनेगा, सिंपल, ये आई माइनस का रिप्लेसमेंट ओ एच से हो जाएगा। तो यहां से आई, यहां से एजी, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सिल्वर आयोडाइड बाय प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, ये नाइट्रोजन, ये 2 मिथाइल एज सच, ठीक है। और जब भी नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 हो जाती है तो भूलना नहीं, सॉरी 4 हो जाती है, भूलना नहीं है नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये आई माइनस बन गया, ठीक है। अभी क्या होगा, ये क्या बना, क्वार्टरनरी एमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट, ठीक है। अभी जैसे ही मैं इसको हीट कर दूंगा, इसको मैं हीट कर रहा हूं 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो ये बेसिक सॉल्ट है, ये OH माइनस क्या करेगा,
बीटा हाइड्रोजन, तो ये नाइट्रोजन जिसके पास है, ये अल्फा, उसके बाद वाला बीटा, यहां से एक एच प्लस को खींच लेगा। एच प्लस को खींचेगा मतलब ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं अपना बाय प्रोडक्ट लिख देता हूं, ये माइनस एच टू ओ। फिर क्या बना, ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मैं डायरेक्टली ऐसे दिखा रहा हूं, ये कार्बन कार्बन के बीच, अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड बन रहा है, ये कार्बन अल्फा वाला, इसका वैलेंसी बढ़ जाएगा। ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पहले से ही है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ये नाइट्रोजन। तो यहां से अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये CH3 दोनों एज इट इज, यहां पर अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, अभी वो न्यूट्रल हो गया, मतलब क्वार्टरनरी सॉल्ट था, उसमें से ये क्या बना, टर्शरी। तो अगर नाइट्रोजन जो है हमारा वो हीट्रोसाइकल में है, तो ये हॉफमान एग्जोस्टिव मिथिलेशन हमें दो बार करने पड़ेंगे, तो ये सीक्वेंस दो बार करेंगे हम, ठीक है। एक बार कर लिया, अभी फिर से ये अमाइन कौन सा बना, टर्शरी, तो पहले इस टर्शरी को हम कन्वर्ट करेंगे क्वार्टरनरी सॉल्ट में। तो पहले मैं क्या कर दूंगा, मिथाइल आयोडाइड ऐड कर दूंगा, क्या बनेगा, ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा, एक दो थे और ये तीसरा मिथाइल आ गया। ये बॉन्ड कैसे बना, तो नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए, तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या बना, पॉजिटिव, ये आई माइनस इसके साथ ऐसे ही होगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर अलग स्टेप लिख रहा हूं, आप डायरेक्टली एक ही स्टेप में भी दिखा सकते हो ये स्टेप, मोस्ट Ag2O, ये I माइनस का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, कैसे, ये तीन मिथाइल नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, जहां पर I माइनस है वहां पर OH माइनस आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको भी मैं जैसे हीट करूंगा, तो मेरे पास अभी भी बीटा हाइड्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन के पास वाला अल्फा, इसके बाद बीटा, यहां पर जो हाइड्रोजन है वो ये OH माइनस खींच लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो क्या बना, जैसे मैं इसको हीट कर रहा हूं, ये OH माइनस, यहां से H प्लस ऑल ओवर H2O बाय प्रोडक्ट बना। अभी यहां पर दो इलेक्ट्रॉन जो है वो पास में मिल रहे अल्फा और बीटा कार्बन को, तो ये दोनों के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, फिर ये कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले लेगा, तो कुछ ऐसी प्रोडक्ट मिल रही है हमें। यहां पर तो डबल बॉन्ड था ही, अभी यहां पर अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, जिसके साथ कितने मिथाइल ग्रुप है, तीन, तो ये ट्राई मिथाइल अमाइन बन गया, ठीक है। अभी ये जो प्रोडक्ट बनी, जैसे हमने हीट किया है इसको, तो इसका क्या हो जाएगा, आइसोमराइजेशन, क्या होगा, आइसोमराइजेशन, मतलब इसका स्टेबल आइसोमर बनेगा। तो ये आप देख सकते हो, अगर डबल बॉन्ड यहां पर हो तो ए डबल बॉन्ड बी, फिर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो क्या हो सकता है, रेजोनेंस, तो इस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो एक डबल बॉन्ड को मैं यहां पर शिफ्ट करा दूं, तो ये ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। अभी इसका नाम पिपेरिलीन है, क्या है, कॉमन नेम पिपेरिलीन। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इसका IUPAC नोमेनक्लेचर भी दे सकते हो, देखो 1, 2, 3, 4 और 5, पांच कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लिखते हैं, पैंट, फिर 1 और 3 के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो मैं लिखूंगा 1, 3 डबल बॉन्ड के लिए इन, दो डबल बॉन्ड के लिए डाई इन। लेकिन एक रूल है कि अगर प्राइमरी सफिक्स AEIOU से स्टार्ट हो रहा है तो हम रूट वर्ड एज सच लिखेंगे, लेकिन प्राइमरी सफिक्स AEIOU के अलावा, जैसे कि यहां पर D से शुरू हो रहा है, तो रूट वर्ड के एग्जैक्ट लास्ट में हम एक्स्ट्रा A ऐड करेंगे। तो ये रूल के हिसाब से यहां पर A आ गया, तो इसका नाम बन गया पेंटा 1,3-dine, तो आप ये नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, हमारा जो भी हेट्रोसाइकल था उसमें से नाइट्रोजन को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो ये बात करते हैं पिरिडीन की,
सो पिरिडीन इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू पीपिरिडीन बाय कैटालिटिक रिडक्शन यूजिंग निकल एंड हाइड्रोजन गैस. देन पीपिरिडीन इज अगेन रिएक्टेड विथ एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड टू गिव क्वार्टरनरी अमोनियम आयोडाइड सॉल्ट विच इज फर्दर रिएक्टेड विथ मोस्ट सिल्वर ऑक्साइड टू गिव क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट. फर्दर दिस सॉल्ट वॉज हीटेड टू 200 डिग्री सेल्सियस टू गिव दिस ऑलिफिन. सो अगेन दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टू प्रोड्यूस वॉटर ट्राइमिथाइल अमाइन एंड पेंटा 1,3 डाइन और कॉन्जुगेटेड डाइन. तो इस मेथड से हमें क्या पता चला, ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था, ठीक है. इसको हमने पहले रिड्यूस किया, मतलब यहां पर तीन डबल बोन थे, जितने हाइड्रोजन यूज होंगे उतने डबल बोन यहां पर होंगे, तो ये बन गया सैचुरेटेड हीट्रोसाइकल. अभी ये जो प्रोडक्ट बना इसमें टोटल 5 कार्बन है और एक नाइट्रोजन एलिमिनेट हुआ. इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है इसमें 5 कार्बन होंगे और एक नाइट्रोजन है, तो ये हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल था वो पीपिरिडीन था, ठीक है. तो ये बात हो गई हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथिलेशन की. अभी इसकी लिमिटेशन या फिर ये मेथड कहां पर फेल हो रही है, ठीक है. तो पहले तो हमने बता दिया दिस मेथड फेल्स विथ कंपाउंड हैविंग नो बीटा हाइड्रोजन, मतलब ऐसे कंपाउंड जहां पर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो ये मेथड डेफिनेटली फेल होगा, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो H2O नहीं निकल सकता, और अगर H2O नहीं निकलेगा तो अल्फा बीटा डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है. और अगर डबल बॉन्ड नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली नाइट्रोजन जो है वो हमारे मॉलिक्यूल में से एलिमिनेट नहीं होगा. सेकेंड जो लिमिटेशन है या फिर जहां पर ये फेल हो रहा है वो दूसरी कंडीशन है कि अगर हीट्रोसाइकल अनसेचुरेटेड है तो ये मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है. तो सेचुरेटेड हीट्रोसाइकल होना चाहिए. अगर हीट्रोसाइकल अनसेचुरेटेड है तो पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे सेचुरेटेड में, कैसे, रिडक्शन से. तीसरी जो लिमिटेशन है वो है दिस मेथड फेल्स विथ टेट्रा हाइड्रो क्विनोलिन. तो पहले हम क्विनोलिन ले लेते हैं. ये क्विनोलिन है, यहां पर तो ये मेथड लागू नहीं होगा क्योंकि हमारा सेकेंड जो है लिमिटेशन कि ये अनसेचुरेटेड हीट्रोसाइकल के ऊपर लागू नहीं होता. तो इसको मैं रिड्यूस करा दूं, इसका रिडक्शन करा दूं सोडियम और इथेनॉल से. ये दोनों के बीच रिएक्शन होगा, ETONA बनेगा और यहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा जिससे रिडक्शन हो सकता है इसका. तो ये साइकिल का रिडक्शन होगा. ठीक है, दो डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, चार हाइड्रोजन का एडिशन हो गया 1, 2, 3 और 4 के ऊपर. तो इसको मैं नाम दे सकता हूं 1, 2, 3, 4 टेट्रा हाइड्रो क्विनोलिन. ठीक है, तो इसके ऊपर तो ये मेथड लागू होना चाहिए. लेकिन जब प्रैक्टिकली हम इसका क्या बना रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में अब हम सब कुछ नहीं लिखेंगे, एक्सेस मिथाइल आयोडाइड ऐड करेंगे. तो ये सेकेंडरी अमाइन है, एक मोल के साथ रिएक्शन होगा टर्सरी अमाइन बनेगा, दो मोल के साथ रिएक्शन होगा क्वार्टरनरी एमोनियम आयोडाइड सॉल्ट बनेगा. ठीक है, ये CH3, ये CH3 नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर आई माइनस, ये क्वार्टरनरी अमोनियम आयोडाइड बन गया. सेकेंड स्टेप में हम क्या ऐड करेंगे, मोस्ट Ag2O. तो क्या होगा, ये I माइनस का रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगा, OH माइनस से. ठीक है, तो ये क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट बन गया. और थर्ड स्टेप क्या था हमारा, थर्ड स्टेप इसको हमें हीट करना है अप टू 200 डिग्री सेल्सियस. तो क्या होगा, बीटा से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये नाइट्रोजन के पास वाला अल्फा, उसके बाद बीटा. तो यहां से एक H+ निकलेगा, यहां से OH- निकलेगा. तो
H2O बनेगा, दूसरा क्या होगा, जैसे ही यहाँ से H प्लस निकलेगा, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन बीटा के अल्फा बीटा के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो ये कार्बन का वैलेंसी बढ़ जाएगा, ये नाइट्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो कुछ ऐसी प्रोडक्ट बनेगी। ये बेंजीन है सच, यहाँ पर अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये नाइट्रोजन के साथ दो मिथाइल एज इट इज, ठीक है, और नाइट्रोजन के ऊपर फिर से लोन पर आ गए। ये प्रोडक्ट बननी चाहिए, लेकिन ये प्रोडक्ट सिर्फ कितनी बन रही है, 5%, मतलब 95% कुछ और बन रहा है। तो 95% क्या बन रहा है, 95% यहां पर 95% ये नाइट्रोजन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, पॉजिटिव चार्ज है, ये यहां से अल्फा से ले रहा है, उसकी जगह पर अगर ये मिथाइल के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले लेगा तो क्या बनेगा, ये बेंजीन है सच, फिर ये साइकिल भी है सच, क्योंकि यहां से बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को मिल रहे हैं, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, अभी ये लोन पेयर, मिथाइल इसके साथ एस सच है, यहां से मिथाइल निकला, मिथाइल के ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने ले लिए, यहां पर OH नेगेटिव है, तो दूसरी प्रोडक्ट ये बनेगी हमारी मिथेनॉल, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बन रही है, ये प्रोडक्ट 95% बन रही है, इसका मतलब यहां पर हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथिलेशन फेल हो रहा है, ठीक है। फोर्थ जो लिमिटेशन है, या फिर जहां पर हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथिलेशन फेल हो रहा है, वो है टेट्रा हाइड्रो आइसोक्विनोलिड, ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो यहां पर क्विनोलिन में तो ये फेल हो रहा है, बेसिकली इसकी लिमिटेशन दो ही कहेंगे हम, क्योंकि अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तब तो ये मेथड लागू ही नहीं होगा, अगर अनसेचुरेटेड हेटरोसाइकल है तब भी ये मेथड लागू नहीं होगा, लेकिन बीटा हाइड्रोजन है, सेचुरेटेड हेटरोसाइकल है, फिर भी नाइट्रोजन जो एलिमिनेट होना चाहिए हमारे मॉलिक्यूल से, वो अगर नहीं हो रहा है तो ये मेथड वहां पर फेल हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो फिर ले लेते हैं आइसोक्विनोलिन, तो जैसे हमने क्विनोलिन लिया था, ये नाइट्रोजन को अगर पास में हटा दो तो ये आइसोक्विनोलिन बन गया, यहां पर भी सेम, पहले रिडक्शन करेंगे सोडियम और इथेनॉल से, तो क्या बनेगा, मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, कितने हाइड्रोजन आएंगे, चार, तो क्या बनाइए, टेट्रा हाइड्रो आइसोक्विनोलिन। अभी इसमें बीटा है अल्फा और बीटा, बीटा हाइड्रोजन है, तो मैं पहले क्या करा दूं, एक्सेस मिथाइल आयोडाइड ऐड करा दूं, ये कौन सा अमाइन है, सेकेंडरी, तो एक मोल के साथ रिएक्शन होगा टर्सरी, दूसरे मोल के साथ रिएक्शन होगा क्वार्टरनरी, तो एक्सेस ऐड कर दो या फिर दो मोल ऐड कर दो मिथाइल आयोडाइड के, क्या बनेगा, ये बेंजीन, इसके बाद ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर एक बार मिथाइल, दूसरी बार मिथाइल, पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ क्या होगा, आई माइनस, मैं सेकेंड स्टेप में Ag2O ऐड कर रहा हूं, कौन सा, मोस्ट, तो ये O माइनस का क्या हो जाएगा, सॉरी I माइनस का क्या हो जाएगा, O माइनस, ठीक है। तो ये बन गया क्वार्टरनरी एमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। अभी जैसे मैंने बताया था कि अगर नाइट्रोजन हीट्रोसाइकल है, हीट्रोसाइकल में नाइट्रोजन है, तो उसे एलिमिनेट करने के लिए ये जो सीक्वेंस है दो बार करना पड़ेगा, तो पहले इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये बीटा हाइड्रोजन है, ये OH इस H प्लस को ले लेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां होंगे, अल्फा और बीटा के बीच, ये कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो ये नाइट्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या बना, बेंजीन एज सच, ये अल्फा और बीटा के बीच सिंगल बॉन्ड था, अभी डबल बॉन्ड बन गया, ये कार्बन एज इट इज, इसके ऊपर ये जो नाइट्रोजन है, दो मिथाइल एज सच,
ठीक है, निकला क्या? सिर्फ H2O, यहां से OH, यहां से H, ये दोनों के बीच डबल बॉन्ड बना, यहां पर नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को मिला, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव था, अभी लोन पर वापस आ गए। तो ये एक सीक्वेंस हमने कंप्लीट किया, लेकिन नाइट्रोजन एलिमिनेट नहीं हुआ है, तो हम दूसरा सीक्वेंस करेंगे। दूसरा सीक्वेंस में भी क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप ये मिथाइल आयोडाइड, लेकिन अभी ये टर्शियरी अमाइन है, तो मिथाइल आयोडाइड एक मोल ही यूज होगा, मैं एक मोल लिख देता हूं, या फिर एक्सेस ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, मोस्ट Ag2O ऐड कर दूंगा, तो क्या बनने वाला है, ये बेंजीन एज इट इज, इसके बाद ये डबल बॉन्ड, ये CH2 के बाद ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ दो मिथाइल थे, एक और आ गया, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया क्वार्टरनरी सॉल्ट, पहले आयोडाइड बना था, फिर OH- आ गया, हाइड्रोक्साइड बना। ठीक है, अभी यहां पर बीटा कार्बन जो है, यहां पर हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसमें से हम नाइट्रोजन को एलिमिनेट नहीं कर सकते, मतलब ओलिफिन तो बन गया लेकिन नाइट्रोजन एलिमिनेट नहीं हुआ, तो यहां तक ही ये मेथड लागू हो सकता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको सबसे पहले क्या देना है, ये मेथड किसने दिया था, पहले विल स्टेटर ने नेचुरली अकरिंग कंपाउंड के ऊपर अप्लाई किया था, फिर होफमान ने अप्लाई किया, इसीलिए आजकल हम इसको होफमान एग्जोस्टिव मिथिलेशन बोल रहे हैं। एग्जोस्टिव मिथिलेशन क्यों बोल रहे हैं, कि पहले हम मिथिलेशन करेंगे, फिर नाइट्रोजन को हमारे मॉलिक्यूल में से बाहर निकाल देंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन या फिर ओलिफिन। हमने एग्जांपल लिया था पिरिडीन का, पिरिडीन में कंप्लीट हमने दो सीक्वेंस किए, फिर इसकी जो लिमिटेशन आती है, तो ये पहली दो कंडीशन तो होनी ही चाहिए, अगर ये नहीं है तो होफमान एग्जोस्टिव मिथिलेशन लागू नहीं होगा। फिर हमने अप्लाई किया टेट्रा हाइड्रोक्विनोलिन और टेट्रा हाइड्रो आइसोक्विनोलिन, ये दोनों एक्सेप्शन है कि यहां हम नाइट्रोजन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू।